हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन का सप्लीमेंट्री का पहला लेसन, जो कि है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। जो कैमल है ऊँट को हम्प कुबड़ कैसे मिला, इसका ये मतलब होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट वन देखो, एक तीन लाइन में समरी दी हुई है, तो क्या है वो समझेंगे पहले। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वे आर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। विश्व अभी अस्तित्व में आया था और पशु जो थे वो मनुष्य के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। वह एक ऐसा पशु भी था जिसने कुछ किया और न कुछ कहा सिवाय हम के। इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि चतुर जीन भी उस पर चकित था। चलो शुरू करते हैं फिर। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, वेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड एनिमल्स वी आर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। जब संसार बना ही था और पशु केवल मनुष्य के लिए काम करते थे। देर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, जो कि एक सुनसान रेगिस्तान में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉन्ग्स एंड प्रिकल्स, वो लकड़ी की टहनियाँ, अभी यहाँ पे स्टिक्स मीन्स टहनियाँ, थॉर्न्स मीन्स काटे और प्रिकल्स मीन्स काटेदार झाड़ियाँ वो खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, जब भी कोई व्यक्ति उससे बात करता था तो ही सेड, वो कहता हम्प, वो सिर्फ हम्प कहता था, जस्ट हम्प नो मोर, वो सिर्फ हम्प कहता था, बाकी वो कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली The horse came to him on Monday morning. The horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." सोमवार को सुबह जो घोड़ा है, घोड़ा जो है उसके पास आया और उस घोड़े के पीठ पे क्या था, एक काठी रखी हुई थी। और वो घोड़ा उसके पास आया और उसने कहा, ऊँट, ओ ऊँट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाहर आ जाओ और हम सभी की भांति तेज चलो। अभी ट्रॉट का मतलब है वॉक करना, थोड़ा रन करना, वॉक से ज़्यादा और रन से कम हम उसे कह सकते हैं। तो हमारे जैसा आप तेज चलो। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने सिर्फ रिप्लाई दिया उसे हम्प, कैमल ने सिर्फ हम कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा चला गया और मनुष्य को उसने बता दिया कि कैमल हम ही कह रहा है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, तब फिर कुत्ता उसके पास आया, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक दंडी थी, एक स्टिक थी उसके मुंह में, एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा देखो, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अभी देखो, जब कुत्ता उसके पास आया तो कुत्ते के मुंह में क्या थी, एक लकड़ी थी, तो कुत्ते ने क्या कहा कैमल को, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, एंड फेच, कम एंड फेच, क्या करो, आओ हमारी तरह लकड़ियाँ उठाओ। ओके, ऐसा उसने कहा, रेस्ट ऑफ अस, हमारे जैसे आप भी लकड़ियाँ उठाओ। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने फिर से कहा हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, कुत्ता भी चला गया और उसने मनुष्य को बता दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद जो बैल है वो उस समय बैल उसके पास आया, विद द योक ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर एक जुआ लटका हुआ था। जुआ, अभी ये जो योक है उसे है जो 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 ऑक्स के ऊपर डालते, देखो गाड़ी बैल के लिए, तो वो योक उसके
नेक पे था, गर्दन पे था। एंड सेड, उसने कहा, उस बैल ने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊट ओ ऊट, अरे ऊट, बाहर आ जाओ, चलो हमारे जैसे तुम भी क्या करो, हल को जोतो। इट मीन्स दिल, आप, इसका मतलब है कि आप भी हमारी तरह हल चलाओ। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने एज यूजुअल उसका रिप्लाई दिया हम्प, उसने सिर्फ हम कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स वहाँ से चला गया और उसने उस मैन को बता दिया, मीन्स इंसान को बता दिया कि वो सिर्फ हम ही कह रहा है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। दिन के समाप्त होने पर मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया एंड सेड, और कहा, थ्री ओ थ्री, ए तीनों पशुओं, इसका मतलब ऐसा ले सकते हैं हम, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे खेद है, बट, लेकिन द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। ये जो हम थिंग है, इट मीन जो ऊट जो हम कहता है, ये जो चीज है वो क्या नहीं कर सकती रेगिस्तान में, वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो वर्क नहीं कर सकती, उससे काम नहीं चलेगा। सो और ही वुड हैव बीन हियर नाउ, वरना वो अब तक यहाँ होती। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो अब मैं, अतः मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड और यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब तुम्हें उसकी कमी पूरी करने के लिए दुगना समय काम करना पड़ेगा। अभी वो नहीं तो उसका डबल टाइम आपको काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री एंग्री, ये सुनकर वो तीनों क्या हो गए, तो नाराज हो गए, या फिर अप्रसन्न, या फिर क्रोधित हो गए। एंग्री मीन्स क्रोधित हो गए। एंड दे हेड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, और उन्होंने क्या की, तो पंचायत बुलाई, किसमें, उस रेगिस्तान में, रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चेविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, जो कैमल था, ऊंट था, वहाँ पर जुगाली, अभी कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है, जुगाली करना, जो उन्होंने खाया होता है वो फिर से वो वापस लाते मुंह में अपने, और वो उसे चबाते बैठते, तो उसे कट कहते। तो वो क्या कर रहा था, जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसने लगा, लाफ्ड एट देम। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, तब उसने कहा हम्प, और फिर वो वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जीन who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud dust. Tab urti hui ret ke badalon mein jhumta hua us desert ka jo in charge hai, desert means registan ka in charge, jise hum prabandhak kahenge, wo wahan pe aa gaya. तो फिर क्या होता है, देखिए, वह जीन आने के बाद, जीन ऑफ ऑल द डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, तो हॉर्स ने कहा, घोड़े ने कहा, ओ सभी रेगिस्तान के जीन्स, इट इज राइट फॉर एनीवन टू बी इडल, क्या किसी के लिए आलसी होना ठीक है, सर्टनली नॉट सेड द जीन, निश्चित रूप से नहीं, जिन ने कहा, जिन ने बोला, वेल सेड द हॉर्स, देर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट। घोड़े ने कहा, तुम्हारा जो कुछ रेगिस्तान है उसके बीच में लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक पशु है, ओके, एक पशु है विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने सोमवार की सुबह से तिनका भर भी काम नहीं किया है, वह तेज भी नहीं चलता,
ट्रॉट मीन्स तेज से चलना, वो ही वोंट ट्रॉट, वो तेज भी नहीं चलता। और सोमवार से मंडे से उसने कुछ काम भी, तिनका भर भी काम उसने किया है। अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, तिनका भर काम। व्हेन विव सेड द जिन, छी जिन ने कहा, सिटी बजाते हुआ कहा, विस्लिंग इज वर्ड देर, सिटी बजाते उसने छी कहा। दैट्स माय कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो तो मेरा ऊंट है, उसके प्रति वो क्या कहता है, इसके प्रति वो क्या कहता है, काम के प्रति वो क्या कहता है। ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लग, सेड द ऑक्स, वो कहता है हम्प और हल ही हल नहीं चलाता, बैल ने कहा, बैल ने कहा कि वो हल भी नहीं चलाता। वेरी गुड, सेड द जीन, बहुत अच्छा, जीन ने बोला। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यदि तुम कृपया थोड़ी समय प्रतीक्षा करो तो मैं उसे एक क्षण में सीधा कर दूंगा। इसका आप ऐसा मतलब लिख सकते हैं, आई विल हम हिम का मतलब होता है आई विल डील विथ अप्रोप्रिएटली, मैं उसके अच्छे से उसके क्या कर दूंगा, अच्छे से सीधा कर दूंगा। आई विल सेट हिम राइट, मैं उसे सीधा कर दूंगा, ये उसका मीनिंग आप ले सकते हैं। पार्ट टू देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ी समरी दी है, देखो स्टार करके। द फर्स्ट जो है, द जीन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, जो जीन था उसने ऊंट से कंप्लेन किया, उससे प्रतिरोध किया कि जो ऊंट क्या कहता था, हम कहता था। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रीव अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प, ऊंट की सुंदर पीठ पर अचानक एक क्या हो गया, तो शार्पलेस मास, जिसे हम कहते आकृतिहीन ढेर, विकसित हो गया। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि कैमल, कैमल मीन्स ऊंट का कुबड़ था। थर्ड, द जीन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, जीन ने ऊंट को विश्वास दिलाया कि उसका जो कुबड़ है उसको हमेशा सहायता करेगा, सहायता करेगा, ऑलवेज बी हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, न कि वो बाधा बनेगा। चलो तो शुरू करते हैं। द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक, जीन ने अपने आप को धूल से बने लंबे कोट में लपेट लिया, डस्ट क्लोक मीन्स धूल से बना हुआ कोट। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वह क्या हो गया, तो डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स जो रेगिस्तान है, के पार चला गया, रेगिस्तान के पार चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिम हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि ऊंट अपना प्रतिबिंब पानी के सरोवर में देख रहा था। माय फ्रेंड सेड द जीन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मेरे मित्र जीन ने कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, व्हाट दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। द जीन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। द जीन सैट डाउन, जो जीन था वो नीचे बैठ गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, उसने अभी ये देखो फोटोग्राफ, फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपना हाथ इस पे रखा है, तो अपने मुंह के नीचे जो ये होता है हनुवटी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें उसने अपना हाथ रखा, थोड़ी अपने हाथ में लेकर वो बैठ गया। व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊंट ने अपना प्रतिबिंब पानी के सरोवर में देखा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इडलनेस, सेड द जीन, अभी जीन ने कहा कि तुमने प्रातः, ओके इट मीन्स सोमवार से, अब तक 3 के लिए अतिरिक्त काम छोड़े है, वे भी केवल तुम्हारे आलस के कारण, ओके 3 काम नहीं हुए क्योंकि आपके तुम्हारे आलस के कारण ये काम नहीं हो सके, जीन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो फिर से अपना जो हाथ है वो
उस नीचे हनुवटी के नीचे देखकर सोचने लगा। कौन? तो जीन। हम्प सेड द जीन, हम्प सेड द कैमल। कैमल ने अपना एज यूजुअल जो आंसर था वो हम्प कह के दिया। कैमल ने हम कहा, ऊंट ने हम कहा। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू, सेड द जीन। जीन ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह फिर से नहीं बोलता। आई वेयर यू, आई शुडंट से, मैं ये फिर से नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम यह बात कभी भी कह सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। यू माइट से इट वंस ऑफन टू, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड द हम्प, और कैमल ने हम कहा, अगेन फिर से कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इंटू अ ग्रेट बिग हम्प। फिर से उसने सवाल का जवाब दिया हम्प। उसके बाद क्या हो गया, देखो उसकी पीठ जो थी जिस पर वो बहुत गर्व करता था वह एक बड़े कुबड़ के ऊपर की ओर फूल रही थी। पफिंग अप मीन्स फूल रही थी वो उसके कुबड़ के ऊपर, और एक बड़ा सा हम्प वहाँ पे बन गया, एक कुबड़ वहाँ पे बन गया। उसके बाद देखिए क्या है, डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन ने कहा क्या तुम वो देख रहे हो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर ओन, योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। वह तुम्हारा अपना ही कुबड़ है जो तुमने स्वयं काम न करके लाकर रख दिया है, काम न करने की वजह से वो कुबड़ बना है। टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है या गुरुवार है, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, आज गुरुवार है। एंड और यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। मतलब सोमवार से लेकर अब तक तुमने काम नहीं किया है, अब तुम क्या करने जाओगे, काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई सेड द कैमल विथ दिस हम्प ऑन माई बैक। अभी ऊँट ने कहा जब मेरी पीठ पर यह कुबड़ है तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज, इसका भी उद्देश्य है, सेड द जीन। जीन ने कहा ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज थ्री डेज, क्योंकि तुमने इन तीन दिन में काम नहीं किया। You will be able to work now for 3 days without eating. तुम अब बिना खाए 3 दिन काम कर सकोगे। Because you can live on your hum, क्योंकि तुम्हें अपने कुबड़ पर निर्भर रहना पड़ेगा। And don't you ever say I never did anything for you. यह कभी भी न कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों पशुओं के पास जाओ और अच्छा बर्ताव करो, यह जिन ने उसे कहा। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और ऊँट उन तीनों को मिलने के लिए गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प, और उस दिन से आज तक ऊँट पर कुबड़ लगा हुआ है। हम वी कॉल इट हम्प नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, तो उसका स्वाभिमान के लिए ठेस नहीं पहुँचे इसके लिए हम उसे हम्प कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम्प कहने से स्ट्रेस आता था इसलिए हम्प उसे हम कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, परंतु
अभी तक उसने 3 दिन के काम की कमी को पूरा नहीं किया है जो उसने बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड जो संसार के आरंभ में गवाए थे। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी भी अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा है, अच्छा बर्ताव करना नहीं सीखा है। तो ये थी हमारी रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरी, बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए। आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। तो हमारे यहाँ जो लेसन है नंबर 1 सप्लीमेंट्री का, द हाउ द कैमल गॉट हिज हम, ये यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू एंड टेक केयर।